दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस साल की शुरुआत से ही सैमसंग तेज़ी से अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। कंपनी अपने पिछले साल अपने पहले फोल्डेबल फ़ोन गैलेक्सी फोल्ड का नया और अपडेटेड वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि कंपनी गैलेक्सी फोल्ड 2 को इसी साल अगस्त में लॉन्च कर देगी। दोस्तों, फ़ोन को लॉन्च होने में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन इससे जुड़े लीक्स हमें ज़रूर आने शुरू हो गए हैं। लीक्स में फ़ोन में दिए जाने वाले कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ कलर ऑप्शन का जिक्र भी किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, नेवर नाम की एक दक्षिण कोरियाई वेबसाइट की माने तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 में बड़ा सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मौजूदा गैलेक्सी फोल्ड में बाहरी डिस्प्ले में चारों तरफ बड़े बेजल्स दिए गए हैं, लेकिन कंपनी गैलेक्सी फोल्ड 2 के साथ इसे कम करने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, लीक रिपोर्ट्स की माने तो गैलेक्सी फोल्ड 2 में एस पेन स्टाइलिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा और दोस्तों, फ़ोन का वज़न 219 ग्राम के आसपास हो सकता है। वेबसाइट में कहा गया है कि कंपनी इस फ़ोन को मार्शियन ग्रीन और एस्ट्रो ब्लू कलर के ऑप्शन के साथ पेश कर सकती है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की एक न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि कंपनी गैलेक्सी फोल्ड 2 में गैलेक्सी जेड फ्लिप के जैसे अल्ट्रा थिन प्रोटेक्टिव ग्लास लेयर दे सकती है। हालांकि ग्लास कंपोनेंट के कारण फ़ोन का वज़न ज़रूर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस समस्या को कम करने के लिए सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 में प्लास्टिक बेस्ट पैनल दिया जा सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार मई के आखिर में गैलेक्सी फोल्ड 2 में लगने वाले पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। वहीं फ़ोन की असेंबलिंग जून या जुलाई में शुरू होने की संभावना है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गैलेक्सी फोल्ड 2 अगस्त में गैलेक्सी नोट 20 के साथ पेश किया जाएगा। एक्सपर्ट और लीक रिपोर्ट्स के अनुसार गैलेक्सी फोल्ड 2 256 GB के इंटरनल स्टोरेज और इन्फिनिटी वी कवर डिस्प्ले के साथ आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।